हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द प्रॉपर्टी सफारी में। आज इस वीडियो में आपको स्टिल प्लस फोर फ्लोर में बने एक लो राइज सोसाइटी के बारे में मैं डिटेल आपको दूंगा, जिसका नाम है इम्पीरियल अपार्टमेंट्स। इसकी लोकेशन किशनपुरा ढकोली जीरकपुर में रहेगी। इसी सोसाइटी के बिल्कुल सामने सुषमा कैपिटल के नाम से एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है। इस सोसाइटी में टोटल 240 फ्लैट्स हैं, जिनका एरिया 1450 स्क्वायर फीट रहेगा। सभी फ्लैट 3 BHK हैं और ये सभी फ्लैट्स बोथ साइड ओपन रहेंगे। ये एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और इसका लोन SBI, HDFC, ICICI जैसे बड़े बैंकों ने भी पास आउट किया हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट हार्मनी कॉलोनाइजर ने डेवलप किया है। इन्होंने पहले ही इम्पीरियल रेजिडेंसी, इम्पीरियल टावर जैसे बड़े बड़े दो प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं। इन सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी हाई स्टैंडर्ड को मेट करती है, क्योंकि इसमें 10.5 हेक्टेयर जैसे अर्थक्वेक को भी इजीली रेजिस्ट किया जा सकता है। इसका क्लब हाउस काफ़ी प्रीमियम है, जिसके ग्राउंड फ्लोर में आपको पार्टी हो, फर्स्ट फ्लोर में जिम और रूफ टॉप पर स्विमिंग पूल जैसे फीचर्स हैं। ये सोसाइटी एक पीसफुल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये है व्यू इस पूरी टाउनशिप का, जिसके राइट हैंड में आपको कमर्शियल शॉप्स मिल जाएंगी और आपको लेफ्ट हैंड साइड एक ग्रीनरी एरिया मिलेगा। सेंटर में है हमारी मेन एंट्रेंस। इस पूरी सोसाइटी में आपको टोटल 4 गेट्स दिए जा रहे हैं और टोटल 3 लो राइज बिल्डिंग है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको पार्किंग मिलेगी और प्लस 4 फ्लोर उसके ऊपर मिलेंगे। सभी फ्लैट्स में लिफ्ट की प्रोविजनिंग है, साथ ही में सभी फ्लैट्स बोथ साइड ओपन हैं। ये एक कॉर्नर पर बनी हुई सोसाइटी है, जिसकी रोड से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इसके सेंटर में आपको 1.5 एकड़ का ग्रीन पार्क मिल जाएगा, जिसमें स्पीकिंग ट्री और साथ में बास्केटबॉल कोर्ट भी अवेलेबल है। ये इसके एक्चुअल पार्क का व्यू है। इसके कॉर्नर्स पर आपको वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक भी मिल रहा है। गाइस, आप खुद से देख सकते हैं कि इसमें सभी फ्लैट्स पहले से ही रेडी हैं। ये इसके एक्चुअल फ्लैट का व्यू है। आप देख सकते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन पेंडिंग नहीं है, सभी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट डन है। इस सोसाइटी के अंदर आपको एक किड्स प्ले एरिया अलग से दिया गया है और आप देख सकते हैं इसमें ग्रीनरी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। इस सोसाइटी का 65% ओपन एरिया है, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट का ग्रीन एरिया ही है। इस सोसाइटी में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साथ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा कर दिया गया है, ताकि आने वाले टाइम में आपको पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये है इस सोसाइटी की एक्चुअल पार्किंग। एक्चुअल पार्किंग में टोटल 8 फ्लैट्स के अंदर 12 कार्स की पार्किंग दी गई है। ये है इस सोसाइटी की लिफ्ट एरिया और साथ में स्टेयरकेस। तो लिफ्ट से होते हुए आप सभी फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डेमो फ्लैट दिखाऊंगा। डेमो फ्लैट को ओपन करते ही आप देख सकते हैं ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया आ जाएगा। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया कितनी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। आप अपने भी एक्चुअल फ्लैट को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ दी जा रही है। जी हाँ, फॉल सीलिंग दी जाएगी। साथ में जो आप टाइल्स देख रहे हैं, इसका वर्क भी एज इट इज़ दिया गया है। वॉल्स हमारी वाइट कलर की हाई स्टैंडर्ड POP पेंट के साथ आएंगी। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर मेन गेट है और सेंटर में है हमारा किचन। इसमें वेंटिलेशन के लिए आपको फुल लेंथ UPVC विंडो दी गई है। डबल बाउल का आपको सिंक दिया गया है। इसके जितनी भी फिटिंग्स हैं, ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ आएंगी। इसके कबर्ड्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम इसको ओपन करके देख रहे हैं तो हम इसको एक्चुअल में फील कर सकते हैं। ये इसका फॉल सीलिंग एरिया एज इट इज़ है। ये इसका UPVC डोर है। इसका जो काउंटर है वो 2 फिट अबव है और इसमें ग्रेनाइट काउंटर स्लैब का यूज़ किया गया है। और फिर से ये आ जाता है हमारा ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया। हमारे फर्स्ट बेडरूम की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ दी जाएगी। कबर्ड्स आपको एज इट इज़ दिए जाएंगे। इसको हम ओपन करके देख रहे हैं, ये फुल लेंथ कबर्ड्स हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है। रूम साइज़ एज इट इज़ है। वेट्रीफाइड टाइल्स एज इट इज़ है। सिर्फ फर्नीचर इंक्लूडिंग नहीं है, बाकी हर एक चीज़ आपको एज इट इज़ मिलेगी। ये वॉशरूम एरिया आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसमें एंटी स्किड टाइल्स का यूज़ किया गया है। फिटिंग सारी जैगुआर एंड पेरीवेयर की रहेगी। जिप्सम फॉल सीलिंग है। इस रूम का साइज़ 10x14 का रहेगा।
अब फर्स्ट बेडरूम के बाद मैं आपको इसका सेकंड एंड फिर थर्ड बेडरूम भी दिखाऊंगा। पहले हम लेफ्ट में बने सेकंड बेडरूम का एक बार व्यू चेक कर लेते हैं। आप देख ही सकते हैं काफ़ी ओपननेस आपको देखने को मिलेगी। इसका साइज़ है 10.5x15 का। ये कबर्ड आपको एज इट इज़ मिलेंगे, ये भी सॉफ्ट क्लोजर के साथ आएंगे। इसमें काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का प्लाईवुड वर्क आपको देखने को मिलेगा। फॉल सीलिंग एज इट इज़ रहेगी। वॉल्स को आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। वॉल हमारी वाइट कलर की हाई स्टैंडर्ड POP पेंट के साथ आएंगी। इसी के साथ आपको वॉशरूम भी अटैच दिया गया है। वॉशरूम में अगेन फिटिंग जैगुआर एंड पेरीवेयर की हैं। वॉशरूम एज इट इज़ आपको दिया जाएगा। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है। ये हमारी फुल लेंथ UPVC विंडो है। ये मैश डोर के साथ आएगी। इसके बैक में आपको 6 फीट की वाइड बैल्कनी देखने को मिलेगी। सामने MS रेलिंग है। इस एरिया को आप वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आपका वॉशिंग एरिया है वो यहाँ पर आ सकता है। अब मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाऊंगा। आपको मैं एक बार व्यू दोबारा से दिखाता हूँ। इस रूम को आप खुद से इमेजिन कीजिए कि आप अगर यहाँ रहेंगे तो आपको भी कितना अच्छा फील होगा। अब हम हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। थर्ड बेडरूम में एंटर करते ही आपको काफ़ी स्पेशियस फील होगा, क्योंकि इसका साइज़ है 10.5x15। अगेन सेम साइज़ रहेगा। आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि रूम्स को कितने ब्यूटीफुली तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें फुल लेंथ विंडो के कारण नेचुरल लाइट भी काफ़ी ईजीली पास ऑन होती है। ये हमारा थर्ड वॉशरूम आ जाएगा। इसका साइज़ 5x7 फिट का रहेगा। फिटिंग सभी एज इट इज़ मिलेंगी आपको। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो अगेन दी गई है। अब ये है हमारा UPVC डोर। मैश डोर भी आपको इंक्लूडिंग है। ये फ्लैट बोथ साइड ओपन होने के कारण आपको बहुत अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। सभी बेडरूम में आपको स्प्लिट AC की प्रोविजनिंग पहले से ही दी गई है। ये आ जाता है हमारा एक्स्ट्रा स्पेस, जिसको आप पूजा रूम, बार या फिर एक स्टोर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डेमो फ्लैट तो हमने आपको दिखाई दिया है कि आप अपने फ्लैट को भी किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक्चुअल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल फ्लैट और डेमो फ्लैट में कितना डिफरेंस दिया गया है। तो ये है हमारा एक्चुअल फ्लैट। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग और लाइटनिंग एज इट इज़ है। वेट्रीफाइड टाइल्स एज इट इज़ हैं। किचन एज इट इज़ किया गया है। दोस्तों ये है हमारा एक्चुअल फ्लैट। तो जितना कुछ आपको दिखाया गया है इस एक्चुअल फ्लैट में, वो सभी चीज़ें आपको इंक्लूडिंग ही हैं। तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए फुल लेंथ UPVC विंडो भी दी जा रही है। बाहर 6 फीट वाइड बैल्कनी है। आप स्पेस देख सकते हैं डेमो फ्लैट और इसमें बिल्कुल एज इट इज़ स्पेस है। आपको ये रूम में भी एज इट इज़ PVC, फॉल सीलिंग, साथ में कबर्ड्स, हर एक चीज़ एज इट इज़ दी गई है। एक्चुअल फ्लैट से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल फ्लैट और डेमो फ्लैट में कितना डिफरेंस है। आपने देख ही लिया है, वॉशरूम एरिया एज इट इज़ दिया गया है जैगुआर की फिटिंग के साथ। फुल लेंथ इसमें टाइल्स यूज़ की गई हैं, एंटी स्किड टाइल्स हैं। इनका साइज़ 12x24 का रहेगा। दोस्तों डेमो फ्लैट तो हर कोई दिखाता है, लेकिन एक्चुअल फ्लैट को दिखाने का रीज़न यही है ताकि आपको पता लग जाए एक्चुअल में आपको क्या चीज़ मिलेगी। पूजा स्पेस एज इट इज़ है। वाइट कलर की फॉल सीलिंग एज इट इज़ है। साथ में कबर्ड्स आप देख सकते हैं एज इट इज़ दिए गए हैं। 32x32 की आपको वेट्रीफाइड टाइल्स दी गई हैं। इसका जो पेंट है ये एक्रेलिक इमल्शन पेंट है। वॉशरूम आप देख सकते हैं एज इट इज़ है। जैगुआर्स की फिटिंग है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो है। 6 फीट वाइड आपको बैल्कनी दी गई है। फुल लेंथ UPVC आपको विंडो दी गई है। तो दोस्तों अगर आप जीरकपुर या पंचकूला के नियर बाई घर लेने की देख रहे हैं, तो आप इस सोसाइटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसका डेमो और एक्चुअल फ्लैट देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए। इसके अलावा ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो अगर आप जीरकपुर, पंचकुला, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ के एरिया में इन्वेस्टमेंट की देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी अपडेटेड रह सकें जितनी भी यहाँ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।